ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ
ಶಿಕ್ಷಕರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಾಹನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಮರುಪ್ರೇರಣ ಸಮನ ಸುಜನ ಹಾಗೂ ಸಮನ ವಾಹಿನಿ ಇವರ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಾಳೆ ಹಾಗೂ ಉಪನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರವ ವಾಹಿನಿಯ ನಾಯಕಿ ವೇದಿಕಾ ಹಸನಕರಣಿ ಹಾಗೂ ಉಪನಾಯಕಿ ಅತಿಥಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಬೇತಿ ಜನ ಜಿನ ಭಾರತ ಜನ ಜಿನ
ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಿತಾ ದೀದಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ ದೀದಿ, ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರುಜಿ, ಸೇವಾ ಪ್ರಮುಖ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗುರುಜಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದಿ ಲೀಸ್ಟ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್ ದಿ ಟೀಚರ್ಸ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಯೂತ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರುವ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಸ್ನೇಹಿತ ಸಂಗೀತಾರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು 1 ರಿಂದ 3ನೇ ತರಗತಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸ್ನೇಹಿತೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇವರು ಈ ದಿನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸೀಮಾ ಪರ್ ಲೋಕ್ ಮರ್ತೆ ಹೈ ವೋ ಖುಷ್ ನಸೀಬ್ ಅಮರ್ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೈ ಮೇರಿ ಬದಕಿಸ್ಮತಿ ಹೈ ಯಹಾ ಹಮ್ ಆಮ್ ಜಿಂದಗಿ ಜಿಯಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ನಮಸ್ತೆ, ಮೈ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಹಾ ಪರ್ ಉಪಸ್ಥಿತ ಅತಿಥಿ ಮಹೋದಯ ತಥಾ ಸಭಿ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯೋ ಕೋ ಮೇರಿ ತರಫ್ ಸೆ 74ವೇ ಗಣತಂತ್ರ ದಿವಸ್ ಕಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಶುಭಕಾಮನಾಯೆ ದೇತಿ ಹೂಂ. आप सभी लोगों के समक्ष गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ. सबसे पहले मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे यह सुनहरा अवसर दिया कि आपके सामने अपने प्यारे देश के महत्वपूर्ण विषय में कुछ बोल सकूं. गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है. स्वतंत्रता सभी को अच्छी लगती है क्योंकि पराधीनता का जीवन अपमान और शोषण से भरा होता है, जिस कारण से हमारा देश आपसी फूट तथा एकता के अभाव में सैकड़ों वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा. गणतंत्र दो शब्दों से बना है, गण का मतलब जनता और तंत्र का मतलब शासन या प्रणाली. हमारा देश 26 जनवरी 1950 से गणतंत्र देश घोषित हुआ. इसके होते ही हमारा देश लोकतंत्रात्मक, संप्रभुता, संपन्नता, धर्मनिरपेक्षता तथा सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखता है. हमारे देश की विविधता ही हमारा अलंकार है जो हमें औरों से भिन्न करता है. सन 1950 में 26 जनवरी को ही भारत सरकार अधिनियम 1935 की जगह भारत के संविधान ने लिया था. संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया था क्योंकि इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर सेशन के दौरान अर्धरात्रि में पूर्ण स्वराज की घोषणा की. गणतंत्र दिवस के दिन भारत में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाता है. हमारे देश में सरकार चुनने का हक जनता को दिया गया है. दुनिया में बहुत सारे देश लोकतांत्रिक है लेकिन सब गणराज्य नहीं. गणतंत्र में कानून का शासन होता है. एक गणतंत्र देश यह सुनिश्चित करता है कि किसी का भी अधिकार न मारा जाए. हमारे देश में प्रधानमंत्री के साथ साथ कुछ शक्तियाँ राष्ट्रपति को भी दी जाती है. हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भारतवर्ष में स्वराज के लिए कई वर्षों तक संघर्ष किया, यहाँ तक कि अपने प्राणों की आहुति देने में जरा सा भी पीछे नहीं हटे, ताकि आने वाली पीढ़ी एक खुले और आजाद वातावरण में चैन की सांस ले सके.
लेकिन आज भी हमारा देश कुछ ऐसी मानसिकताओं में जकड़ा हुआ है जिससे हमें बाहर निकलना है, जैसे हिंसा, महिलाओं के प्रति अत्याचार, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी इत्यादि। राष्ट्रीय पर्व देश के कोने कोने में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह दिन बलिदानों की पावन स्मृति लेकर हमारे सामने आयोजित होता है। कितने सपूतों ने देश की बलिवेदी पर अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, बहनों ने भाइयों का बलिदान, औरतों ने अपना सुहाग न्योछावर कर दिया, माताओं ने अपनी गोद की शोभा को कुर्बान कर दिया, तब जाकर हमें स्वर्णिम दिन के दर्शन हुए। इस दिन हम उन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर राष्ट्रपति का स्वागत करते हैं तथा ध्वजारोहण के बाद जल, थल और नव सेना की टुकड़ियां राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी देते हैं। 26 जनवरी का पर्व अपने में भारतीय आत्माओं के त्याग, तपस्या और बलिदान की अमर कहानी समेटे हुए भारतीय जनमानस को प्रेरित करती रहेगी कि उन्हें देश की स्वतंत्रता एवं एकता के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। आज की परिस्थिति में प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि आपसी भेदभाव एवं वैमनस्य को भुलाकर देश की अखंडता को बनाए रखे तथा देश की सभ्यता की रक्षा के लिए अपना सब कुछ खुशी खुशी त्याग करने के लिए तैयार रहे। हमें इन पंक्तियों को सदैव याद रखना है। हम उन महावीरों के बच्चे हैं जो अपने धुन के पक्के हैं। हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। हमें रोको मत, आगे बढ़ने दो, हम आजादी के दीवाने हैं। माँ भरोसा रखना अपने संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। अंत में आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और कामना करती हूँ कि आप सभी का भविष्य आनंददायक एवं सुखमय हो। जय हिंद, जय भारत। गणराज्योत्सव दिन महत्व स्नेहित साक्षी अवरिगे धन्यवाद। 5ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಂದ ತೈಕೊಂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಆಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಶೀಟ್ Thank you.
ठीक है। अब चल Ah!
धन्यवाद। आरवी तरगति व्यारूपक Yeah.
सब वहाँ है जहाँ तू है, कदमों में तेरे जन्नत बिछी है, जलभूमि तेरे शहरते छुपी है। शरद ने तुझको सजाया, तू है माया, तेरे रूप में सब कुछ पाया, रह के जमीन पर आसमां खून छुआ है, आसमां खून छुआ है, आसमां खून छुआ है। जमा दे जहाँ रास्ता ले आता है मंजिल बाहर, जहाँ भी तू चाहे बना ले मकान, ये तेरी जमीन है तेरा आसमान।
सेकेंड प्राइज गोज टू सीमा बीएस, पेरेंट ऑफ समर्थ बीएस, फोर्थ डी ए फर्स्ट स्टैंडर्ड ए सेक्शन। एंड सविता एंड सेकेंड प्राइज गोज टू संतोष काकोल एंड वीना काकोल, द नेक्स्ट कैटेगरी पेरेंट ऑफ अनिकेत भट्ट थर्ड ए, स्मिता एच, द विनर ऑफ कॉन्सोलेशन प्राइज इन दिस कैटेगरी गोज टू ईशान जलवादी एलकेजी 5। आधव फर्स्ट ई प्राइज विनर्स द डिफरेंट कैटेगरी, वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट लेफ्टिनेंट कर्नल अजीत वी भंडारकर शौर्य चक्र मेमोरियल अवार्ड फ्रॉम मेटामॉर्फिस ऑर्गेनाइजेशन टू द अंबेसडर ऑफ आर स्कूल क्लास 9 स्टैंडर्ड स्टूडेंट हैज बीन सेलेक्टेड अंडर द क्राइटेरिया ऑफ लीडरशिप एम्पैथी एंड वैल्यूज। दिस अवार्ड इज इन मेमोरी ऑफ द सैक्रिफाइस मेड बाय लेफ्टिनेंट कर्नल अजीत वी भंडारकर जी ड्यूरिंग कॉल फॉर द नेशन ऑन द 30th अक्टूबर 1999। The ambassador of the school. The 24th to 26th of November, in this competition, Prajwal is Surya. And we have many achievers, athletics achievers, Anvi V.S. She has secured 2 gold in Vidya Bharati national level 100 meter and 200 meter and silver medal in the national level athletics meet, got silver medal in CBSE cluster 8 athletics meet, silver medal in 100 meter race in CBSE and qualified for national level, qualified for SGFI level. Vaishnavi Girish Agri of 10th standard, Naksha N Gundagati, Niharika Gautam and Karuna. Namaskar, wish you all happy Republic Day, 74th Republic Day. I won't take much of your time. So at the outset, I would like to congratulate and wish Sri Maheshwaraya Guruji. I like the way you all address your teachers, Guruji, Srimati Manjula Guruji. Didi, as they all fondly call you, the Vice Principal Kala Ma'am, Chatukala Ma'am, the coordinators, the whole team of Rashtrothana Vidya Mandir for having invited me at this August day and an occasion to celebrate. We are celebrating our 74th Republic Day. And I would like to congratulate each one of you for putting up such a wonderful show. And I would also congratulate the parents for having chosen the school. And I'm sure, and I would like to tell you that your kids are in the right place and they have been mentored and guided by the right team of teachers, I must say. So one big round of applause to all the students and teachers of the school for having shown their patriotism. The names of your houses speak of the values which are being inculcated in this wonderful campus. I may call it a temple of education, right from the program where we had Deepak Prajwalana worshipping Goddess Saraswati, and Ma'am rightly said today is Vasant Panchami, wherein we worship Goddess Saraswati. So may all of you be blessed with her choicest blessings and the patriotic fervor in which you all participated. It's we just celebrated the Girl Child Day. And today the theme was Nari Shakti, and so also our tableau there in New Delhi is Nari Shakti. So to all of you, a very, very heartiest congratulations. And also I would like to tell you all, and I'm grateful to the school, the management, for having accepted our invitation
and for being a part of our journey of Metamorph, which also believes in patriotism and inculcating awareness about the armed forces. Because of the paucity of time, I am not able to tell you in detail, but I have shared it with sir that any help and support required when it comes to training of the students, or whether it be NCC cadets, or whether it be grade 9 and 10 on career counseling for the armed forces, Metamorph Foundation is there to support and assist you. So this is regarding the award itself and our collaboration with your school. And there is one more thing about the book. The book has been converted into a documentary on a Braveheart. And I've requested sir to give us the permission and help us in screening of this documentary, which will give you an insight about the services life. So which sir has agreed, and we'll do it very soon. So thank you all once again for having me here today. I am feeling blessed, and I am feeling that the sense of patriotism in each one of you. So and this is the best way I could dream of spending my Republic Day. So thank you all once again. Jai Bharat. Bharat Mata Ki. Jai. Bharat Mata Ki. Jai. Bharat Mata Ki. Jai. Jai. Jai Karnataka. Namo Namaha. Namaskarah Mitrani. Chatusaptati Tame Ganatantra Divasasya Shubhashayaha. Aham Atra Upasthita Asmi. Dhanyavad Jnapanaya. आदौ उपस्थिताः अस्माकम् अतिथयः श्रीमती शकुन्तला ए बन्दर्कर् महोदयाः, ताभ्यः अनन्तानन्त धन्यवादाः याभिः स्वस्य अमूल्यः समयः दत्तः. अहं राष्ट्रियमानविद्यालयानां प्रशंसकाः श्रीमान् महेश्वरया गुरुजीम् आह्वयामि यत् आगत्य अतिथीनां फलप्रदानैः स्मरणिकाप्रदानेन सम्मानयन्तु इति. धन्यवादः. राष्ट्रोत्थान विद्यालयानां प्रशंसकाः श्रीमान् महेश्वरया जी, तेभ्यः अपि धन्यवादाः. विद्यालयस्य प्राचार्य भगिनी श्रीमती मञ्जुला दीदी, उपप्राचार्य श्रीमती चन्द्रकला भगिनी, प्राचार्य श्रीमती ममता दीदी, कल्पुर्गी गुलबर्ग, तेभ्यः अपि धन्यवादाः. शैक्षणिक समन्वयिका श्रीमती अनेक दीदी, समन्वयकाः श्रीमती सुनीता भगिनी, श्रीमती रूपा भगिनी, श्री नारायण स्वामी गुरुजी, सेवा प्रमुखाः श्री मंजुनाथ गुरुजी, ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः पितरः मातरः शिक्षकाः, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपेण कार्यकर्तृभ्यः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः अनन्तानन्त धन्यवादाः. पुनरेकवारं सर्वेभ्यो धन्यवादाः. वन्दे भारत मातरम्. शाला साहब, मतजल जैन और मंच पर शांति मंत्र. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखबाधवे. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.